दिल्ली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रेमी युगल ने आज सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसके बाद आज वो एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मांग की कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। आपको बताएं कि उन्होंने जब प्रेम विवाह किया, जिसके बाद से ही लड़की पक्ष के घर वाले उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं, जिसके चलते वो लगातार घर से इधर उधर घूमते फिर रहे हैं और अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते आज वो हारने के बाद एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। पूरा मास्टर ये है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है, अब लड़की के परिवार वाले बहुत ज़्यादा दमन है, जो कि हमारे घर में घुस के तोड़फोड़ चोरी लपोरी जो भी था सब कुछ कर चुके हैं और गांव में जा रहे हैं तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारी फसल गाँव में बर्बाद हो रही है और हमारी अभी दादी गई थी गाँव में, तो रात के 11 बजे वो लोग घर में घुस गए गैरकानूनी असला लेके। बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचा के रात को 2 बजे थाने पहुँची और पुलिस वालों ने वहाँ पर FIR लिखने से मना कर दिया कि वो तो मारेंगे। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारा परिवार सेफ रहे। हम 2 महीने से इधर उधर शरण लिए घूम रहे हैं, पूरा परिवार हमारा घर से बेघर हो चुका है। बरेली में आज मदन मोहल वेलफेयर सोसाइटी और नगर निगम के सौजन्य से स्वस्थ जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि बरेली के वार्ड नंबर 69 शाहबाद में ये पूरा अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि वो अपने घर में 2 डस्टबिन रख सकते हैं, जिसके तहत वो गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग स्टोर करें और उसके बाद डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली टीम को ये कूड़ा देंगे, तो इसी के साथ ही उनको भी असुविधा नहीं होगी और साथ ही साथ गीले कूड़े से वो अपने घर में 20 से 25 दिन में खाद भी बना सकते हैं, जो कि उनके गमलों की क्यारियों को और भी ज़्यादा सौंदर्य प्राप्त कराएंगी। इसी के साथ ही सूखे कूड़े की बात की जाए तो वो अगर वो कबाड़ी या किसी अन्य को बेचते हैं तो उससे भी वो लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ ही ऐसे ही अभियान लगातार नगर निगम टीम के द्वारा तमाम सामाजिक संगठनों के सहयोग से चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत मेन उद्देश्य बरेली स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाना और स्वच्छ बनाना। आज बरेली विकास क्षेत्र के अंतर्गत महसूरा ठकुरान में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध BDA बरेली के द्वारा दुष्टीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें कृष्णपाल एवं अन्य के द्वारा लगभग 8 बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध कॉलोनियों में सड़क डालकर प्लाटों का चिन्हांकन कर उनको बेचा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गौरव सक्सेना के द्वारा भी लगभग 10 बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी। इसी के साथ ही सौरभ एवं अन्य लोगों के द्वारा भी 12 बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत के अवैध कॉलोनियां में सड़क डालकर प्लाटों का चिन्हांकन कर उनके विक्रय किया जा रहा था, जिसके संबंध में आज बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियंता के साथ समस्त टीम ने आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जनसेवा टीम ट्रस्ट के अध्यक्ष पम्मी काम वारसी ने बताया कि मोहल्ला आजम नगर को जाने वाली बगिया की सड़क पर बेसुमार गड्ढे हो चुके थे, सड़क पर राहगीरों का चलना भी मुश्किल हो गया था और आसपास के दुकानदारों को परेशानियों का काफी सामना करना पड़ता था। इसी सड़क के किनारे एक नाला भी है जो गंदगी से लबालब भरा हुआ है, जिसकी दुर्गंध से सांस लेना भी मुहाल हो गया है। आजमनगर वार्ड 20 और 64 की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आपको बता दें कि आजमनगर स्मार्ट वार्ड की श्रेणी में आता है और आजमनगर में प्रवेश करने वाली बगिया की सड़क भी पिछले कई सालों से खराब पड़ी हुई थी। कई बार वहां के लोग इसकी शिकायत नगर निगम को भी की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिल सका, जिसके बाद जनसेवा टीम ट्रस्ट के अध्यक्ष पम्मी खां वारसी ने कहा कि जनसेवा की टीम ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई और विरोध प्रदर्शन किया, तब कहीं जाकर अब सड़क का निर्माण होना शुरू हो गया है, जिसके बाद जनसेवा टीम ने नगर निगम को धन्यवाद दिया है। देश में इन दिनों हिजाब पर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है और हल्के हल्के इस आग ने सबको अपनी जद में ले लिया है, जिसके चलते कर्नाटक के बाद अभी ये आग UP तक फैल चुकी है, जिसके बाद आपको बताएं कि कर्नाटक के शिवमोगा में एक छात्र की हत्या करने के बाद जिस तरीके से ये आग भड़की वो अब हाथरस तक पहुँच चुकी है और इसके बाद आज बरेली कलेक्ट्रेट पर तमाम हिंदू संगठनों ने इसके विरोध में आक्रोश व्यक्त किया और अपना ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा है।